नमस्कार वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, तीन तलाक मुस्लिमों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। समय से पहले दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर का ज्यादातर हिस्सा उग्रवाद से मुक्त हो चुका है। छापे के बाद पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा, मेरी आवाज बंद करना चाहती है सरकार। लालू यादव की बेनामी संपत्ति से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। छापों से डरने वाला नहीं हूँ, फांसीवादी ताकतों से लड़ता रहूंगा, लालू यादव ने कहा। कपिल मिश्रा बोले, बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर राहुल का कटाक्ष, आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले, राजनीतिक संरक्षण में अपराध की अनुमति नहीं। सुषमा ने ट्वीट कर बताया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरीश सालवे ने महज 1 रुपए की फीस ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ। डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप, रूस के साथ साझा की इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान से जुड़ी खुफिया जानकारी। यमन में हैजा का प्रकोप, मरने वालों की संख्या बढ़कर 180 हुई। रुकवन में सीरियाई शरणार्थी शिविर के निकट कार बम विस्फोट, 6 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। शेयर बाजार में लगाई जबरदस्त छलांग, 30,569 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। ये थी आज की कुछ खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।